दो तीन चीज़ों का बता देते हैं, फिर बाकी हम आपको जो कुछ नई चीज़ें वो हम आपको बता देंगे, जिससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है ना, आपको जो है आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, और अपने आप के ऊपर होना चाहिए कि आप अपने आप को बचाए रहेंगे और अपना ध्यान रख पाएंगे, इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप को। तो जैसा आप जानते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कल जो अब इस सीजन का सबसे ज़्यादा केस कल आया था, 4,800 से ज़्यादा केस आए थे कल, उससे थोड़े कम हो गए हैं केस आज, लेकिन अभी भी फिगर ज़्यादा है, लगभग 4,000 केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक बड़ा फिगर है, अगर मैं कहूँ तो बड़ा फिगर है स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और बाकी सारे जो हमारे अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से, ये बड़ा फिगर है जो हमारे स्टेट के लिए एक चिंताजनक विषय है अभी। इसके अलावा डेथ जो है 19 हुई हैं, कल 36 मृत्यु हुई थी, आज 19 हुई हैं, ये एक थोड़ा बेटर है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा साइन नहीं मानता हूँ। हम लोग एक एक डेथ का जो हो रही हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं, हमारे जो VC मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो हर एक डेथ का डिटेल रिव्यू करते हैं, क्या कॉज रहे, क्यों डेथ हुई, क्या चेंज किया जा सकता था, क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वर्कआउट करते हैं, उसके बाद वो संबंधित हॉस्पिटल को या उसके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, ये रिव्यू डेली किया जाता है। इसके अलावा अगर आज की स्थिति देखें तो आज जो टोटल हमारे पास आइसोलेशन बेड की अवेलेबिलिटी है वो 10,375 है जो फंक्शनल हैं, उसमें से 9,388 खाली हैं जो आइसोलेशन बेड हैं हमारे। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे जो हैं वो 3,781 हैं, जिसमें से 1973 खाली हैं। कुल ICU बेड जो हैं हमारे 706 हैं जो डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं, उसमें से 301 खाली हैं। कुल वेंटिलेटर हमारे 573 हैं, जिसमें से 346 खाली हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिगर जो है अभी हमारे पास वैकेंसी है, लेकिन ये जो आप लोग का कंसर्न होगा, सबका कंसर्न है कि देहरादून में, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड हो रखा है देहरादून में, तो देहरादून की स्थिति में इतना ज़्यादा खाली नहीं है। देहरादून हमारा लगभग लगभग ICU 99% फुल हैं अभी भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्प्रूव करते जाएँ पेशेंट, उनको हम लोग HDU में या नॉर्मल ऑक्सीजन वाले वार्ड में शिफ्ट करके ICU को खाली कर लें, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो बेड भर रहे हैं उसका एक और बड़ा रीज़न है कि जैसे हमारे यहाँ कल देहरादून में 1800 केस आए, तो सिर्फ 1800 केस का लोड नहीं है देहरादून पे, UP के भी 3,000-4,000 केस का लोड आए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी से, हिमाचल से, बॉर्डर से और हरियाणा तक से लोग यहाँ आ जा रहे हैं, इधर बिजनौर से लेकर सहारनपुर तक के हर जिले से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ आ जा रहे हैं, दिल्ली तक से क्वेरीज आ रही हैं, पंजाब से क्वेरीज आ रही हैं, वो भी एक एडिशनल लोड है उत्तराखंड के ऊपर, जिसकी वजह से देहरादून में शॉर्टेज हो रही है बेड की। उसके लिए हम लोग, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज अपने लेवल पर मीटिंग करी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स, जॉली ग्रांट और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ डिटेल मीटिंग की थी, उसमें बेड बढ़ाने पर चर्चा की गई है। उसमें एम्स वाले 80 बेड और बढ़ा रहे हैं अपना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, वेंटिलेटर के लिए भी उनसे कहा गया है कि अगर वो अपने वेंटिलेटर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, अगर उनको फंड की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो अपनी वेंटिलेटर वाली फैसिलिटी भी बढ़ा लें और ICU जो फैसिलिटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी 100 ICU है उनके पास, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि और ICU बढ़ाएं अपना, फंड स्टेट गवर्नमेंट करेगी अगर जरूरत, उनको अगर पैसा की ज़रूरत है तो वो डिमांड करें, हम लोग पैसा देंगे उनको। सिमिलरली जॉली ग्रांट 150 बेड और अपना बड़ा कर रहे हैं, 150 बेड ऐड कर रहे हैं अपना। उनका इशू ये था कि ऑक्सीजन का, उनके पास जो फैसिलिटी है ऑक्सीजन की, वो 30% जो बेड है उनके टोटल बेड उसके हिसाब से है, तो अगर और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है तो निश्चित रूप से वो अपनी फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम लोग उनको राज्य सरकार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो हर एक बेड में लगाया जा सकता है, रूम एयर से वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट कर देता है, उसको हमने कमिट किया कि हम उनको दे देंगे, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जिससे कि वो जो बढ़ाना चाह रहे हैं बेड वो पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड हो जाए, ये हमने उनको कह दिया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्टेडियम में 1,000 बेड जो है हम लोग उसको ऑक्सीजन बेड के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी अरेंजमेंट लगभग हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी चालू हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बेड की
एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी देहरादून के अंदर ही। आप समझिए कि 1000 से लेकर 1500 के आसपास बेड हम लोग बढ़ा ले जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, मैक्स है, सिनर्जी है, कैलाश है और जो हॉस्पिटल हैं, उनको ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एक एक होटल लेके, इनफैक्ट सीएमआई और सिनर्जी ने ऑलरेडी होटल लेके स्टार्ट कर लिया है कि वो जो माइल्ड केस के पेशेंट होते हैं उनको वो देख के वो होटल में रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, आईसीयू में शिफ्ट करना वो मैनेज करते रहते हैं। इससे जो है काफ़ी सहूलियत हो रही है, पेशेंट्स को भी कंफर्टेबल है, उन्हें एक हेल्थ प्रोफेशनल देख रहा है लगातार, कंफर्ट में है और कोई भी दिक्कत होने पे वो हॉस्पिटल में के हॉस्पिटल के आसपास ही है तो मैनेज हो जा रहा है। मैक्स वाले भी कल से शुरू कर देंगे, उनका जो एक रिजॉर्ट है मैक्स से बगल में वाना, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया और एक और होटल उनको दिया जा रहा है लेके वो चलाने के लिए। सिमिलरली एम्स को एक फैसिलिटी दी गई है भारत भूमि करके, जो GMVN की का होटल है नटराज चौक के पास में जो होटल है उसको एम्स को दिया गया है, 150 बेड करीब उसमें है, उसको वो अपनी एडिशनल फैसिलिटी की तरह से वो भी चलाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार का एक 150 बेड का हॉस्पिटल है जो हमारा बेस हॉस्पिटल था कुंभ के लिए हमने बनाया था, वो भी हम लोगों ने एम्स से बात की है कि वो उसको चला लें कोविड के हिसाब से, तो वो भी अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, हम लोग उसको भी कोशिश कर रहे हैं। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ के 70% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के लिए डिसीजन लिया गया है कि 70% पेशेंट कोविड के ही उसमें रखे जाएंगे, बाकी पेशेंट जो जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे वैसे वैसे उनका हम लोग पूरा का पूरा आईसीयू लेते जाएंगे धीमे धीमे करके, क्योंकि अभी उनके पास पेशेंट्स हैं इसलिए हम पूरा नहीं ले सकते हैं तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल गए थे, हम लोगों ने प्रयास किया था, कल सुबह से वो भी चालू हो जाएगा, 30 बेड से शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड होंगे पूरे 30, बढ़ा के 100 करेंगे उसको एक हफ्ते के अंदर हम लोग। इसके अलावा कैंट बोर्ड के चिकित्सालय में 150 बेड को कोविड के लिए आरक्षित कर लिया गया है और जो बेड की जानकारी है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने परसों शाम को एक मीटिंग की थी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उनसे मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया था कि बेड की अवेलेबिलिटी रियल टाइम पे वो पोर्टल में पुश करें, तो सब लोग एग्री कर रहे थे कि हम लोग ये करेंगे क्योंकि उससे पब्लिक को मालूम चलता है। जैसा आप जानते हैं कि पेशेंट परेशान हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहा, दूसरे जा रहे हैं, तीसरे जा रहे हैं, अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रहा है, हम लोग उसको कम करना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि पब्लिक को परेशानी कम से कम हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम नंबर, टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है और ये भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो माइल्ड केस हैं या जो जिनको लग रहा सिम्टम आ गया है वो इमिडिएटली दवाई शुरू कर लें, हमारे टोल फ्री नंबर है, बात कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। टेलीमेडिसिन भी हमने ऑन कर रखा है, एम्स ने भी टेलीमेडिसिन ऑन कर दिया अपना, उस पर टेली कंसल्टेशन करके दवाई शुरू कर लें जिससे कि जो टाइम, जो शुरू वाला जो टाइम होता है 3-4 दिन 5 दिन वो वेस्ट नहीं हो हमारा और जो रिजल्ट है वो बेहतर रिजल्ट मिले, जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है अगर हम लोगों ने टाइम पे शुरू किया दवाई। तो उस हिसाब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा हमको वैक्सीन की अगर बात करें आप, तो वैक्सीन में हमको 50,000 वैक्सीन कोवैक्सीन की भी मिली है रिसेंटली और जैसा कि आप जानते हैं 1 तारीख से हमको 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाने की परमिशन दे दी गई है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करने जा रहे हैं, दोनों जगह पे बात हो गई है, जो दोनों मेजर कंपनी जो बना रही है इसको, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और अभी फाइनल कॉल उस पर नहीं हुआ है कि जैसा दूसरे स्टेट्स ने किया है कि अभी हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन हो गया है। अभी हमारे पास वैक्सीन सफिशियंट है, हमने कोवैक्सीन भी मंगा ली है और आगे चल के तीसरी जो लॉन्च हुई है अगर वो मिलती तो हम वो भी मंगा लेंगे। हम चाह रहे हैं कि पब्लिक जो है उसको ऑप्शन हो, उसके पास ये ऑप्शन हो डिसाइड करने का कौन सी वैक्सीन लगानी है, जो भी वैक्सीन लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारी परसों 2 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था उससे बढ़ गया है थोड़ा, 3.75 था वो 3.98 हो गया है, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि केस ज़्यादा रहा, उस दिन 2,200 के आसपास केस था, फिर 3,300 कुछ हुआ, फिर उसके बाद बढ़ के 4,800 हुआ, आज 4,000 के आसपास है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन है। इसके अलावा 2-3 और नए डिसीजंस हुए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो 3 दिन के लिए सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं, वो
उसका ऑर्डर जारी कर दिया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर अभी जारी किया है, अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा ग्रुप में। उसमें 3 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और सारे ऑफिसर को सैनिटाइज किया जाए। वो बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग छुट्टी पे चले जाएं, बंद इसलिए कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज किया जाए, साफ सफाई जो है वो कर ली जाए, और उसमें इसेंशियल सर्विसेज को बाहर रखा गया है। जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम लोग हेल्थ में हैं और इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिस चलेंगे, बाकी जो नॉन इसेंशियल चीज़ें वो सारे ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। और पिछली बार जो आप 2 दिन पहले जब हम लोगों ने बात की थी आपसे, तो रेमडेसिविर की तमाम बातें आई थी। मैं आपको बता दूं कि जो है नेशनल लेवल से जो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने लगातार परचेज ऑर्डर भेज रखे थे कंपनीज को, लगातार बात कर रहे थे, तो जो भारत सरकार से अलॉटमेंट हुआ कुछ एक स्टेट को हुआ, उसमें हमको भी हुआ है। तो 13,500 का अलॉटमेंट हमको हुआ है हमारे स्टेट को, सिर्फ आज से 22 तारीख से 30 तारीख के बीच के लिए हमको हुआ है 13,500 इंजेक्शन वायल्स का। इसमें से 3,000 आज शाम में पहुंच रही है, हम लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, बाय एयर आ रही, शाम तक आ जाएगी हमारे पास। 3,000 हैदराबाद से आ रही है, बाकी 500 हमको जुबिलेंट से मिल रही है, वो भी शाम तक हमारे पास आ जाएगी, कल 500 और मिलेगी, और नेक्स्ट 5,000 का जो और नेक्स्ट हमारा ट्रांच है वो भी 1 या 2 दिन के अंदर और आ जाएगा। सिमिलरली मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है, सारे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को, कि वो अपना अपना परचेज ऑर्डर जारी कर दें, कंसर्न जो मैन्युफैक्चरर उनको जारी कर दें, और उसकी एक कॉपी हमको दे दें, हमारे ड्रग कंट्रोलर को या हमारे सीएमओ को दे दें, तो हम उसको परस्यू करके डायरेक्ट उनको दिला देंगे। हम ये चाहते हैं कि मार्केट में भी अवेलेबल रहे और जो भी हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को उनके पास अवेलेबल रहे, वो पेशेंट को ना कहीं भेजें, हमारा टारगेट ये है। तो अभी जैसे मिलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल को देना शुरू कर देंगे, और ये कोशिश करेंगे कि सारे हॉस्पिटल के पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास हो अपनी, वो अपना खुद से लगाते जाएं, और अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं सचिन कुर्वे जी, उनका काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा, और उन्होंने टाइप किया, यहाँ इंडस्ट्रीज बात की, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज सब उन्होंने बात की, उन्होंने टाइप किया, और हम लोगों ने ड्रग कंट्रोलर जनरल और बाकी जगह से हमने टाइप किया, और उसको हम लोगों ने मटेरियलाइज करा लिया। तो मुझे लगता है कि अब आगे चल के आज के बाद से कोई ऐसी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर रेमडेसिविर आप देखें, आपने बीच में देखा होगा कि जो टॉप डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, एम्स दिल्ली के डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी कई बार वीडियो में ये बात बोली है कि रेमडेसिविर का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है देने का, और किसको दिया जाना है, कैसे दिया जाना है। मैंने भी पिछली बार आप लोगों को ये बात कही थी कि आंख बंद करके सारे पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो देने से निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर रिजीम है। सिमिलरली हमारे यहाँ एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें हमारे वाइस चांसलर और जो आईएमए के जो प्रतिनिधि हैं और जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश में, एम्स जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हर जिले के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबके मेंबर्स हैं उसमें। उन्होंने डिस्कस करके पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल पे कब कौन सी दवाई दी जानी है, कैसे यूज़ किया जाना है, वो भी उन्होंने रिकमेंड किया था। मैंने वो भी आज जारी कर दिया है, हर एक हॉस्पिटल के लिए हमने जारी किया है कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा। जो प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब अगर किसी को डाउट है या एक्सपोज्ड है उनको क्या दवाई लेनी है, मालूम चल गया तो क्या दवाई लेनी है, एसिम्प्टोमेटिक में क्या लेनी है, फाइनली और क्या क्या दवाई लेनी है, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है उसमें, वो भी मैंने आज जारी कर दिया यहाँ से। तो सारे हॉस्पिटल उसको फॉलो करना, वो बाइंडिंग है एक तरीके से, वो हमने उनको दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने करी हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग अभी फिलहाल जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक रिक्वेस्ट हमारा वही है, जैसे गवर्नमेंट ने भी एक कॉल लिया, गवर्नमेंट ने सारी सैटरडे संडे बंद कर दिया, फिर डेली 2 बजे तक बाजार खुल रहा, बाकी टाइम बंद है, 7 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद है। तो ये सब एक सिग्नल है आम आदमी को ये बताने के लिए कि एक्चुअली कोविड सीरियस है और सबके सहयोग की आवश्यकता है, लोग मास्क पहने, घर से बाहर न निकलें। ये सब बंद बंद करने का पर्पज़ यही है कि इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो मेरा फिर से आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध है कि सभी लोग आगे भविष्य में, और स्ट्रिक्ट सिचुएशन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए हमको, लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए हमें अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क लगा के निकलें, जितना कोशिश कर सकते हैं दूसरों को भी बताएं, कम से कम एक्सपोजर हो आपको तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस स्ट्रेन में जो आया है, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, इसमें यह नहीं मालूम चल रहा है कि वो कितना टाइम में केस खराब होगा। हम लोग देख रहे हैं, पिछली बार ऐसा नहीं होता था, 7 दिन से पहले कभी भी केस खराब नहीं होता था, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, डायग्नोस हो रहा है, कई बार आरटीपीसीआर जंप कर जा रहा है, वो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, फिर भी लंग में
सीवियर सिम्टम आ जा रहे हैं, और एक बार खांसी या बुखार आता है उसको 3 दिन के अंदर पूरा लंग जो है ऑलमोस्ट डैमेज हो जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है, सारे प्रदेश के लोगों से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज मास्क पहने, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, सोशल गैदरिंग, मिक्सिंग, पार्टीज ये सब ना करें। अगर 10-15 दिन हम लोग ने ठीक से अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लिया, चेन ब्रेक हो जाएगी, जो एक पीक चल रहा है वो प्लेटू में आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा कर्व, उससे बहुत सहूलियत मिल जाएगी हम लोगों को। और अगर अभी हम नहीं चेतेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे चल के जो दूसरे बड़े जो मेट्रोज हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है फिर हमको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। जो हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसकी भी एक लिमिट है, एक लेवल के बाद हम भी नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं जाकर उसको रोकना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने और घर से बाहर कम से कम निकलें। अब कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन की क्या अभी फिलहाल यहाँ पे स्थिति है, क्या जो उद्योग है उनको ऑक्सीजन जो मिलता है क्या उसको ने अभी किया, जैसे दिल्ली और कई जगहों पे हुआ है कि जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देने को रोका गया, कोर्ट ने कहा कि भाई उनको रोको, हॉस्पिटल को सप्लाई करो, उत्तराखंड में क्या स्थिति? वैसी स्थिति नहीं है, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है हम अभी हमारे पास उतना सफिशियंट है, क्योंकि 3 हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चौथा BHEL जो हरिद्वार है उन्होंने अपना एक प्लांट को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरह से स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी, तो उनको परमिशन दे दी गई है, वो भी अपना चालू कर सकते हैं। और जो 3 है वो सफिशियंट सप्लाई है, क्योंकि उसमें से हम जो ले रहे हैं वो लगभग 20% ले रहे हैं, बाकी UP में और दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। तो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, फिर हमने अपने प्लांट लगा रखे हैं ऑक्सीजन के, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल को खुद ही से केटर कर रहे हैं डायरेक्ट। तो उस तरह का बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सर ये ऑक्सीजन में मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने कोई रेट तय किया है, जैसे पहले मास्क और सैनिटाइजर को लेकर शासन ने रेट तय किया था, आज एक ऑक्सीजन डीलर के पास में गया था, ना उसके पास रेट लिस्ट है और ना वो ये बताने को तैयार है कि ऑक्सीजन किस रेट पर दे रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनका वेंडर फिक्स्ड है, सप्लाई फिक्स्ड है, और हम लोगों ने ऑलरेडी पर्सनली एक आदमी लगा रखा है, ड्रग जो हमारा ड्रग डिपार्टमेंट है वहाँ से आदमी लगे हुए हैं, डेली चेक हो रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए वो भी डेली चेक कर रहे हैं, रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक कंट्रोल किया हुआ है, उससे ऊपर की अगर कहीं बात आती है तो निश्चित रूप से स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। देखिए रेट रेट मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मैं फिगर नहीं लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जो रेट भारत सरकार ने फिक्स किया उसके ऊपर अगर कहीं पे भी ये बात सुनने में आती है कि कोई उससे ज़्यादा में बेच रहा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हो जाएगी, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कल हमने मेडिकल स्टोर्स में भी छापा डलवाया, ये बार बार शिकायत आ रही थी कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन लोग ब्लैक कर रहे हैं, इस तरह की बात आ रही थी, कल हमने ड्रग के लोग रोज जाते थे, कल हमने जिला प्रशासन से रेड करवा दिया वहां पे। तो हम लोग पर्टिकुलर हर चीज बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल से हम लोग टच में हैं। आज ही हमें मालूम चला जॉली ग्रांट की गाड़ी वहां पे गई हुई है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, इमीडिएटली हमने कोऑर्डिनेट करा के उनकी गाड़ी निकाली वहां से। 2 हमारे टैंकर थे दून के, उसको UP से कुछ इशू हो रहा था, हमने वहां के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करके उसको रिजॉल्व किया। हम लोग सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, हमने कोई भी चीज़ को लूप नहीं में कोई चीज़ लूज नहीं छोड़ी हुई है। बट ये जरूर है कि सब चीज़ का जानकारी होना किसी भी टाइम पे किसी के पास संभव नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग इमीडिएटली एक्ट करते हैं और आगे भी हम करेंगे। सर RT-PCR की रिपोर्ट अब 5-5 दिन तक नहीं आ रही है, ये औरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ही पत्रकारों में कई संस्थान के लोग पॉजिटिव हैं, हमारे जानने वाले कई लोग पॉजिटिव हैं, 5 दिन से RT-PCR की रिपोर्ट नहीं मिली है, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घर में हेल्थ की कोई किट नहीं आ रही है, क्योंकि 6 महीने पहले ये स्थिति अलग थी, तब पॉजिटिव होते ही आपके यहाँ पूरी चेकिंग होती थी, बकायदा चस्पा होता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है, ये सारी चीजें अभी फिलहाल इस तरह की नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को देखते हुए 3 और प्राइवेट लैब को अलाउ करा गया यहाँ पे कि वो होम घर पे जाके सैंपल कलेक्ट करें, उनका नंबर नहीं, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, रेट इज फिक्स्ड, रेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। नहीं नहीं रेट नहीं नहीं आएंगे, देखिए अगर इकट्ठे एक ही टाइम में 10-15 लोग फोन कर देंगे तो नहीं आ पाएगा। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, 3 लैब हमने खड़ी कर दी और जिले ने हमारी खड़ी करी, 3 लैब को परमिशन दिया कि चलाइए आप, नंबर दे दिए, सब कुछ कर, रेट ऑलरेडी फिक्स्ड है,
गवर्नमेंट से यहीं से रेट फिक्स किए गए हैं कि अगर वो खुद सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कितना पैसा ले सकते हैं, अगर कोई आदमी वहां पे आके सैंपल देता है तो कितना पैसा देगा, एवरीथिंग हैज बीन फिक्स्ड। मैं जियो देख के आपको बता दूंगा। अगर उसमें भी आपको ये शिकायत आती है कि ज्यादा पैसा चार्ज किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर, अगर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया किसी भी चीज का तो उससे प्राइस हम दे देंगे, हम मीडिया को दे देंगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ये जो है जो बात आई है सी एस सर के पी एस की तरफ से कि 10 दिन से था, देखिए ये इनफॉर्मल डिस्कशन में इस तरह की बातें हो सकती हैं, बट ये कहना कोई ऐसा कोई टूल नहीं होता हमारे पास कि हम ये देख के पेशेंट का सीटी या कोई चीज देख के बता दें कि आप 10 दिन पहले से, दिस नॉट पॉसिबल। हम ये असेस कर सकते हैं कि साहब आपका इन्फेक्शन जो है नया नहीं है, कुछ दिन पहले से आप इन्फेक्टेड थे, लेकिन क्योंकि उनको सिम्टम नहीं थे, उनको आज भी सिम्टम नहीं है, मेरी उनसे सुबह भी बात हुई थी, शाम को भी बात हुई, दोपहर में भी, उनको कोई भी सिम्टम नहीं, अभी भी कोई सिम्टम नहीं है, उनका सीटी भी एकदम नॉर्मल है, उनका ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं वो उनका वायरल लोड बहुत कम होता है, वो बहुत कम इन्फेक्टिविटी वाले होते हैं, वो उनका इन्फेक्शन दूसरी तरफ जाने का कम चांस होता है। अब दूसरा ये है कि कैसे ये जज किया जाए कि किसको टेस्ट कब कराना है, वो तो उनका एक्सपोजर रहा होगा या कुछ रहा होगा इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया, अदरवाइज उनके पास कोई रीजन नहीं था टेस्ट कराने के, वो एक अलग तरह का डिस्कशन है। देखिए अगर हम ये मान के चलें कि जितने भी लोग हैं सब खतरे में हैं तो सब टेस्ट कराने जान पॉसिबल नहीं है, करा भी नहीं सकते हैं, कितनी बार आप टेस्ट कराएंगे, हर हफ्ते नहीं करा पाएंगे आप टेस्ट। शासन ने किसी ने कहा, बताओ किसने कहा, उनके पीएस ने कहा है ना, उनका पीएस है उनके, शासन में किसी ने नहीं कहा है, आपको कोई आदेश तो बताइए मुझे, हम नहीं कह रहे हैं बात, मैं स्वास्थ्य विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने तो नहीं कह रहा हूं ये बात, न कोई डॉक्टर ने ऑफिशियल हमको कम्युनिकेट किया लिख के, मैंने आपको कहा ना ये इनफॉर्मल डिस्कशन हो सकता है कि वो 10 दिन से थे, लेकिन उसको कौन अप्रूव कौन करेगा कि एक्चुअली ऐसा है, मैं नहीं करता हूं अप्रूव। जैसे आरटीपीसीआर जो टेस्ट हो रहे हैं अभी, जैसे दूर अस्पताल का सबसे ज्यादा लोड पड़ा हुआ है, हां 3-4 घंटे में नंबर आ रहा है, बीमार जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्या हम और अन्य जगहों पे भी आरटीपीसीआर जांच स्टार्ट करा रहे हैं? देखिए ऑलरेडी जो है 8-10 जो है गवर्नमेंट के सेटअप हैं, प्राइवेट भी 20 एक लैब होंगी कम से कम। मेरा ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है, प्राइवेट लैब की अवेलेबिलिटी है या प्राइवेट लैब करना चाहते हैं तो हम उनको भी उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि रेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं, जितनी जरूरत है जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। आज के डेट में देहरादून 8,000 टेस्ट कर रहा है और हमारा टारगेट है कि अगले 2 दिन के अंदर उसको 10,000 तक ले जाएंगे। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन 12-15 लाख है 10,000 टेस्ट मायने रखता है, 10,000 टेस्ट जो हम आज से 6 महीने पहले मैक्सिमम 10,000 टेस्ट पूरे स्टेट में कर रहे थे, आज के डेट में हम 50,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, 50,000 मजाक बात नहीं है। देखिए मैंने जो शुरू में कहा मतलब सब चीज की लिमिट है टेस्ट करने में, आप एक साथ 20-30 लाख लोगों को थोड़ी टेस्ट कर दोगे, देयर इज लिमिट, उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। सैंपल ले लिया हमने, 20,000 लोगों का सैंपल ले लिया, फिर रिपोर्ट कहां से आएगी? मशीन की कैपेसिटी है, जो आरटीपीसीआर मशीन्स लगी हैं लैब जितनी हैं उनकी सबकी कैपेसिटी है, किसी की 1200 है, किसी की 500 है, किसी की 800 है, किसी की 2000 है, वो एक दिन में कितना टेस्ट करेंगे वो फिक्स्ड है। हमने इसलिए प्राइवेट लैब को इनवाइट किया, प्राइवेट लैब को दिया, हरिद्वार में भी दिया, यहां भी दिया, हर जगह दे रहे हैं जो भी प्राइवेट लैब कर रही है। बीच में प्राइवेट लैब्स ने विड्रॉ कर लिया, क्यों, क्या हुआ उसमें कि वो डेटा नहीं फीड कर रहे थे, वो आपका टेस्ट करेंगे आपको रिपोर्ट दे देंगे, ये लो आप पॉजिटिव हो आप नेगेटिव हो, हमें नहीं बताएंगे, लेकिन उससे पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो जा रही थी। और जबकि जो हम एम्पैनल करते हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रिपोर्ट जो है 24-48 आवर्स में आनी चाहिए और वो पोर्टल पे अपलोड होनी चाहिए हमारे, जो भारत सरकार ने पोर्टल बनाया है, वो जब हमने सख्ती की तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम नहीं करेंगे टेस्ट। तो देखिए सिस्टम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और सिस्टम इसलिए बना रहे हैं कि हमको मालूम रहे कि लोड कितना है हमारे ऊपर, लोड असेस कर पाएं, पेशेंट का हम देख पाएं कि कितना ट्रीट कर पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। इस वजह से हमको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, हम भी करते हैं, दूसरों से भी हम करवाते हैं। हाँ कितना हमने इसके लिए तय किया है कि कितने लोग आएंगे तो हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास
देखिए, जो हमने आपको फिगर शुरू में ही बता दिया था उतना तो हमारे पास आज के डेट में भी है। उसके अलावा हम अभी लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कुंभ में हम कम से कम 1000 जो कुंभ की फैसिलिटी थी उसमें से कम 1000 को हम यूज़ करने वाले हैं। आगे भी चल के कुंभ से अलावा हम अपने स्टेट के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ देहरादून में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया 1000 कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हम हल्द्वानी में भी, हमारी बात होगी हल्द्वानी में भी हम बढ़ा रहे हैं। उधम सिंह नगर में हमने बोल रखा है बढ़ाने के लिए। देहरादून में निरंकारी आश्रम वाले और कुछ इस तरह के बड़े आश्रम के उन्होंने ऑफर किया है कि हमारी फैसिलिटी आप ले लीजिए, हम लोग सेवा के उसमें रहते हैं, हमारी भी ले लीजिए और जनता के लिए इसको यूज़ करिए। तो लगातार उसमें प्रयास चल रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। देखिए अभी जितनी फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, जितना हम कर रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। हो सकता है 3-4 दिन बाद मैं आपको फिर से अपडेट करके बता दूं कि कहां पे पहुंच गया फिगर हमारा। लेकिन उसका सिर्फ ट्रीटमेंट पे अगर हम चलते जाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें इसका ट्रांसमिशन रोकना है, हमें इसका संक्रमण रोकना है, कहीं इसकी चेन को ब्रेक करना है। ट्रीटमेंट तो ठीक है, नौबत नहीं आए ट्रीटमेंट की तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।